विजयवाड़ा में दरियाए कृष्णा के पनामी घाट और भवानी जजीरे पर हजार जायरीन के लिए ये एक खुशी का दिन था, क्योंकि आंध्र प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन APTDC ने कश्ती रानी का दोबारा आगाज किया। APTDC ने तकरीबन 3 माह कबल दरियाए कृष्णा में शदीद सैलाब की वजह से कश्ती रानी का अमल मुअत्तिल कर दिया था। अब महकमा आबपाशी ने पुरकासिम बिराज में सैलाबी पानी के आमद में ज़बरदस्त कमी के साथ दरियाए कृष्णा में कश्ती चलाने की इजाज़त दे दी है। नतीजतन APDC ने कश्तियों का ऑपरेशन दोबारा शुरू कर दिया है। पहले दिन APTDC की मलकियती 16 कश्तियों के मुकाबले में सिर्फ 5 कश्तियाँ चलाई गई। पनामी घाट से पहले दिन 45 नशिस्तों की गुंजाइश वाली 3 कश्तियां और 25 हर एक के बैठने की गुंजाइश वाली 2 कश्तियां चली। APTCD विजयवाड़ा के डिविजनल मैनेजर CH3 नवासा राव ने बताया कि दरियाए कृष्णा में कश्ती के सवारी से लुत्फ अंदोज होने वाले जायरीन की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए तमाम एहतियाती तदाबीर अख्तियार की गई है। ताहम उन्होंने मजीद कहा कि APDTC को अभी तक दरिया में स्पीड बोट्स चलाने की इजाजत नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि महकमा को बहुत जल्द बाकी 11 कश्तियों को चलाने की इजाजत मिल जाएगी। कश्ती ऑपरेशन APDC की आमदनी का एक अहम जरिया है और उम्मीद है कि लोग दरियाए कृष्णा में कश्ती की सवारी से लुत्फानंदोज होंगे। उन्होंने कहा कि जारी कार्तिक मसाम में मजीद सियाह कश्ती की सवारी से लुत्फानंदोज होंगे, जो कि तेलुगु लोगों के लिए एक खुश आनंद बात है। लोग इस महीने अपने दिन बागात, साहिलों और भवानी जजीरे जैसे दीगर मुकाम पर गुजारते हैं। सियाहों ने भवानी जजीरे का दौरा किया और शाम तक अपना वक्त गुजारा।